नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। संयुक्त लोकतांत्रिक मधेशी मोर्चा सम्मिलित संघीय गठबंधन काठमांडू के पाटन में विरोध सभा के आयोजन कला कैसे पाटन क्षेत्र स्थित मंगल बाजार में बृहस्पति के बेरिया में आयोजित सभा के संघीय समाजवादी फोरम नेपाल का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव संबोधन कने छला। फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव मधेश के मांग पूरा नहीं होब धेर उपत्यका भीतर आ बाहर समानांतर रूप में आंदोलन के कार्यक्रम सब जारी रख बतौलन। सभा के लिम्बुबान मुक्ति मोर्चा के कुमार लिंगदेन सहित मोर्चा में आबद्ध विभिन्न राजनीतिक दल के दोसर स्तर के नेता सब से मंतव्य रखने छला। लमजुंग के तामाखानी में यात्रुवाहक बस दुर्घटना भेला से 11 गोटे के मृत्यु भेल। मध्य नेपाल नगरपालिका 5 तामाखानी में ना 6 ख 41 36 नंबर के बस दुर्घटना भेला बाद 9 गोटे के घटनास्थले में आ 2 गोटे के इलाजक क्रम में अस्पताल में मृत्यु भेल। जिला प्रहरी कार्यालय लमजुंग के प्रहरी नायब उपरीक्षक शंभु प्रसाद ढकाल जनतब देने साथ बस अनियंत्रित भक सड़क से नीचा खसिक दुर्घटना में पड़ल। तनहु के दमौली से 2 पीपले सेती फसल होत जीता कोट के लिए चलल बस दुर्घटना में पड़ल। बस में सवार 9 गोटे यात्रु घायल से भेल। सह चालक के गंडकी अस्पताल पोखरा आ अन्य सब गोटे के मणिपाल शिक्षण अस्पताल पोखरा में इलाज भ रहा प्रहरी जनौलक। बस चालक तनहु कैमिन 6 के 27 वर्षक सुरेश बिक के शुक्री दिन आई भिनसर में नियंत्रण में लेल गेल। डीएसपी ढकाल बतौलन। देश के आंतरिक राजनीतिक गतिविधि में विदेशी नागरिक की संलग्नता बढ़ला के बाद अध्यागमन विभाग ओकरा सब पर जघन्य अपराध अनुसार तत्काल देश निकाला कर के निर्णय कलक। विभिन्न प्रयोजन में नेपाल आयल विदेशी नागरिक सामाजिक संजाल मार्फत राजनीतिक विषय में टिप्पणी कर के राजनीतिक दल के प्रदर्शन में संलग्न होब की गतिविधि बढ़ला के बाद विभाग ओकरा सब पर जघन्य अपराध में मात्र प्रयोग हो वाला अध्यागमन एन आ नियमावली के कड़ा प्रावधान कानून में अनलक। अध्यागमन नियमावली 2063 अनुसार सबसे बेसी कड़ा दंड 10 वर्ष धरि घूर नहीं पाव जका नेपाल से निकाला आ 50,000 जरिमाना है। ऐसे आगू प्रावधान लागू औसत लगायत गंभीर प्रकृति के अपराध में संलग्न विदेशी नागरिक पर लागू होते आयल छल। विभाग जे प्रयोजन के लिए भिसा लक नेपाल आयल है वह उल्लंघन कलक जघन्य अपराध में संलग्नता बराबर के दंड कानून में अनलक। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस सरकार के विरुद्ध में अपन भातृ संस्था नेपाल विद्यार्थी संघ के सड़क में उतारलक। कांग्रेस कालाबाजारी नियंत्रण कर कोनो पहल नहीं केने कहत नेवी संघ के सरकार विरुद्ध सड़क में उतारने आई। नेवी संघ बृहस्पति के काठमांडू में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के राजीनामा के मांग कर प्रदर्शन कलक। जनता के जिंदगी संग संबंधित विषय के व्यवस्था क फकरा आ हवादारी भाषण कर में केन्द्रित रहल कहत नेवी संघ प्रधानमंत्री ओली के राजीनामा मांग केने आई। नेवी संघ सरकार के विरोध में कारी झंडा सहित शंख बजा कर प्रदर्शन कलक। नेवी संघ प्रदर्शनी मार्ग स्थित वाल्मीकि कैंपस से भद्रकाली शहीद गेट होते शांति पाटिका धर प्रदर्शन केने आई। नेवी संघ के नेता सब प्रधानमंत्री ओली गैर जिम्मेवार रूप में प्रस्तुत होब लगला में प्रदर्शन केने कहत सरकार विरुद्ध आंदोलन के थप कार्यक्रम आनल जात बतौलन। सरकार विरुद्धक प्रदर्शन में नेवी संघ सरकारी नियम आ अपन प्रतिबद्धता विपरीत स्कूली विद्यार्थी सब के सेहो प्रयोग कलक। नेवी संघ स्कूली विद्यार्थी सब के कारी झंडा सहित नाराबाजी कर लगौने आई। विद्यालय शांति क्षेत्र संबंधी निर्देशिका अनुसार स्कूली विद्यार्थी के सभा जुलूस में सहभागी कराब नहीं मिलत। व्यापारी अपहरण के अभियोग में पकड़ाव पड़ल 2 प्रहरी जवान सहित 4 गोटे के जिला अदालत उत्पक्ष के लिए कारागार पठाव के आदेश कलक। बीरगंज उप महानगर पालिका 19 निवासी राजेश कुमार शाह कानू के अपहरण का 4 लाख रुपया फिरौती लेने अभियोग में पकड़ाव पड़ल। बीरगंज 18 निवासी प्रहरी जवान अरविंद सिंह विनय सिंह आ अन्य में दीपक सिंह आ बीरगंज 14 निवासी भगवान सिंह के अदालत दोसर आदेश नहीं होब धर के लिए बीरगंज कारागार में पठाव आदेश दिलक। बीतल चैत 13 गते 4 गोटे के पकड़ाव का अपहरण तथा शरीर बंधकी मुद्दा दाखिला केने में बृहस्पति दिन पर्सा जिला अदालत के 8 नंबर बेंच के न्यायाधीश राजेंद्र नेपाल के एकल इजलास से 4 गोटे आरोपी के पूर्वपक्ष के लिए कारागार में रखा आदेश देने प्रहरी उपरीक्षक राजू बाबू श्रेष्ठ जनतब देने से। व्यापारी अपहरण के अभियोग में पकड़ाव पड़ल के बाद 56 दिन धरि जिला प्रहरी कार्यालय के नियंत्रण में रहल 4 गोटे के शुक्र दिन कारागार चलान कल गया। उपरीक्षक श्रेष्ठ बतौलन। ए माओवादी सहित 10 माओवादी समूह के एकता के बाद घोषित 699 सदस्यीय केंद्रीय समिति में अध्यक्ष पुष्प कमल दहाल भायक अन्य नेता सबके वरीयता क्रम मिलाव के मामला में विवाद देखल गेल। माओवादी घटक दल सबके बृहस्पति दिन काठमांडू में भेल संयुक्त भेला में दहाल के बाद दोसर नारायण काजी श्रेष्ठ आराम बहादुर थापा में से ककरा बनावल जाए विषय में विवाद देखल गेल। एक नेता के अनुसार कृष्ण बहादुर मारा आ वर्षमान पुन थापा के दोसर नेता बनाब चाहने वो सब
चाहने मुदा उस मुंह खोल नहीं सकल गोपाल किराती सहित माओवादी के पोलिट ब्यूरो सदस्य पोलिट ब्यूरो तह के नेता आ हितमान शाक्य थापा के दोसर तह के नेता बनाब चाहने नेता एक नेता बतौलन। क्रांतिकारी माओवादी में सचिव रहल देव गुरुंग थापा के सह अध्यक्ष श्रेष्ठ आमारा के अध्यक्ष बनाकर अपने महासचिव में रह के इच्छा व्यक्त कने। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली दू वर्ष भीतर नेपाल में पेट्रोल उत्पादन कह देखा दावी कने। प्रधानमंत्री ओली नेकपा एमाले निकट पत्रकार सभा संस्था प्रेस चौतारी के आठम राष्ट्रीय अधिवेशन के बृहस्पति दिन काठमांडू में उद्घाटन करते दक्षिण से पेट्रोल आनला के बाद हैरान भेला के बाद दू वर्ष भीतर नेपाल अपने पेट्रोल उत्पादन कह देखा बतौलन। भारत नाकाबंदी लगला के बाद सरकार चीन से ईंधन आन के प्रक्रिया आगू बढ़ौने में प्रधानमंत्री ओली आप चीन से पेट्रोल आन के इच्छा नहीं करू बरू नीति आ कार्यक्रम सहित योजनाबद्ध रूप में दू वर्ष भीतर नेपाल में पेट्रोल उत्पादन कर बतौलन। नगर प्रासी संग सीमा जोड़ल गेल भारत के ठूटी बारी बाजार में बम विस्फोट भेला से दू गोटे के मृत्यु भेल त तीन गोटे घायल भेल। ठूटी बाजार में नेपाली सब संग सेहो किन के लेल जाइत अछि। भारतक महाराजगंज जिला के ठूटी बारी के एक कबाड़ी संकलन केन्द्र में विस्फोट भेला से 50 वर्षीय विकास सहनी आ हुनकर 5 वर्षक बेटा अमन के मृत्यु भेल। हुनके परिवार के उर्मिला सहनी निखिल सहनी ममता सहनी गंभीर घायल भेल। कबाड़ी संकलन केन्द्रक विकास सहनी के अछि। विकास नेपाल से पुरान बिगड़ल लोहा स्टील तथा पित्तर के सामान सब किन कर ल जात आ वही के प्रशोधन कर के काज करते आये छल। एक बर्तन के पीस कर पघाल के क्रम में एकाएक बम विस्फोट भेल छल। विस्फोट में घायल भेल सबके इलाजक लेल महाराजगंज अस्पताल में पठाओल गेल। स्थानीय प्रहरी जनतब देने आये संकलन कैल गेल वो बर्तन सब नेपाल में द्वंद्व काल में प्रयोग भेल होब सकबाक प्रारंभिक अनुमान कैल गेल। अपन ही सखन के लिए लतबे पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टीवी। नमस्कार।